जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें SIDVI ग्रेड ए के लिए वैकेंसी आज की। तो SIDVI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो आपका ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के लिए वैकेंसी 50 पोस्ट आपके लिए दी गई है। आपका 90,000 पर मंथ आपका सैलरी दिया हुआ है। यहाँ पे जनरल EWS OBC के लिए 1100 रुपये फीस है। ST PWD के लिए 175 रुपये दी गई है। 8 नवंबर से 28 नवंबर तक आपके फॉर्म जो है चलने वाले हैं। यहाँ पर आपका ग्रेजुएट या LLB VTech CA तो ये सभी प्लस 2 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले आपका ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। एंड क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट नेम डाल देना है एंड लास्ट फर्स्ट नेम आपको कन्फर्म करना है। यहाँ पे देखिए तीन नाम होते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो इसमें अंतर क्या है, जैसे आपका नाम है महीपाल शर्मा, तो माही अलग है, पाल अलग है, शर्मा अलग है, तीनों अलग अलग है, तो आपका फर्स्ट, मिडिल और लास्ट हो गया। आपका नाम है माही शर्मा, तो आपका माही अलग है और शर्मा अलग है, तो आपका फर्स्ट एंड लास्ट नेम हो गया है। तो इस तरीके से आप अपना नाम डाल देंगे एंड आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा आपका मोबाइल नंबर। तो आपका मोबाइल नंबर क्या है वो आपको अपना नंबर जो है डाल देना है एंड कन्फर्म कर देंगे। उसके बाद ईमेल आईडी दिखाई देगा, तो आपको ईमेल आईडी आपको किस तरीके से डालना है, इस तरीके से आपको ईमेल आईडी डाल देना है। एंड जो डोमेन होगा वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा और मेल यहाँ पर आपको डालनी होगी। कैप्चा कोड डाल देना है एंड सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका फोटोग्राफ के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो आप फोटोग्राफ डेबिट कार्ड आपका फोटोग्राफ यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ आपका 10 से 50 KB के 20 से 50 KB के बीच में वही। तो यहाँ पे आपको डालना होगा जाति, तो आपका कास्ट SC ST OBC किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो डाल देना है। पूछता आपको 40% विकलांग सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आप डिटेल दे सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है एंड आपको इसको नीचे कर लेना है। वहीं पूछता आप विकलांग हैं और आपको राइटर की जरूरत है तो आप यस करेंगे, अन्यथा आपको नो करना होगा। एंड यहाँ पर पूछता है रीजन आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वो डाल देना है। एंड पूछता है माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, तो आप यस कर सकते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आपको नो करना होगा। वहीं आपको नीचे पूछता है आपका 1984 में कोई शहीद हुआ है तो आप डिटेल दे सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। उसका पूछता है एक सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर देना है। एंड आपको नीचे दिखाई देगा आप SIDVI में एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। पूछता है आपका कंट्री, तो आपको यहाँ सिटीजनशिप डालना होगा किस देश से बिलोंग करते हैं। वहीं आपका राज्य, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो आपको डाल देना है। नीचे आपको दिखाई देगा आपका डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या एग्जाम, यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आप जहाँ पे अपना सेंटर डालना चाहते हैं वो सेंटर यहाँ पर मांगा गया। वहीं आपका ग्रुप डिस्कशन के लिए आपका सेंटर मांगा गया कि ग्रुप डिस्कशन आप कहाँ पर चाहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, वो सब्जेक्ट चूज कर लेनी है। एंड आपको दिखाई देगा आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। एंड जेंडर मेल है, फीमेल है, वो आपको डालना होगा। जुड़वा भाई बहन है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। मैरिड है, अनमैरिड है, वो आपको डाल। उसके बाद क्या है यहाँ पर आपको डालना होगा अपना फादर्स नेम एंड आपको नीचे दिखाई देगा आपका मदर्स नेम, तो वो डाल देना है। एंड उसके नीचे दिखाई देगा करेस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो करेस्पॉन्डिंग एड्रेस क्या है जहाँ पे आप फिलहाल रहते हैं, तो आपका विलेज है, हाउस नंबर है, गली नंबर है, आपका विलेज पोस्ट है, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आपकी एरिया का पिन कोड क्या है। तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल डालने का पूछता है। परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सेम है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर पूछता है आप GST किस एड्रेस पे कटवाना चाहते हैं, तो आप करेस्पॉन्डिंग एड्रेस पे, आप परमानेंट एड्रेस पे, तो वो आपको देना होगा। उसके बाद आपको वैलिडिटी और डिटेल कर लेना है एंड आपका वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा। तो वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा उसका मतलब आपका बिल्कुल सही है। तो आपको यहाँ पर सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देखिए डिटेल आपको चेक करनी है, आपने कोई खाली छोड़ दिया तो वो आपका प्रॉब्लम होता है, बाकी ये यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं बताता है। तो आपको ग्रेजुएशन है आपका किस सब्जेक्ट से वो आपको डालना होगा, किस डेट में आपने पास किया है वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको सारी चीज जो अच्छे से, यहाँ पे कितना परसेंटेज था, डिवीजन कौन सा है वो आपको डालना होगा। उससे IDD आपके पास कोई इंडिविजुअल कोर्स है या प्रोफेशनल कोर्स है
तो आप प्रोफेशनल कोर्स भी दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या दिखा, आपका कितना परसेंटेज था वो डाल देना है, आपका वही सेम पोजीशन में ही डालना हो, किस डेट एंड मंथ में पास किया वो डाल देना है, एंड आपको इसको पीजी है कोई और कोर्स अवेलेबल है तो वो भी आप अपना दे सकते हैं। उसका पूछता है डू यू हैव आप पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन 2 ईयर, तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। आपको यहाँ पे लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन, इन बारे में बैंक में आपने नौकरी की है, अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हुआ तो आप 3 साल का भी लगा सकते हैं, नहीं है तो आपको नो कर देना है। एंड आपको पूछता है नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, तो आप किस एम्प्लॉयर के थ्रू काम कर रहे हैं वो आपको डालना होगा, किस पद पे कर रहे हैं आपको जो है वो आपको डाल देना है। डालने के बाद कब से कब तक कर रहे हैं, देखिए आप फिलहाल कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो आपको नो कर देना है। एंड यहाँ पर आपको डाल देना है आपने कब से कब तक जो है कार्य किया है तो वो आपको डाल देना है। नेचर कैसा था आपका ड्यूटी पे वो आपको डालना हो, किस वजह से आपने छोड़ा है तो छोड़ना तो छोड़ा तो आपने है नहीं का छोड़ा है तो आप शॉर्ट सर्विस लिख सकते हो। वेदर डिसीजन आप अवेलेबल फ्री रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग मोड ऑनलाइन OBCSC आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप दिखा सकते हैं, लास्ट में जब जरूरत पड़ेगी तो ऑनलाइन वाला तो वो आपको यस करना है। इनपुट आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, हिंदी इंग्लिश है आपको, संस्कृत है, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको पढ़नी लिखनी बोलनी आती है वो आपको डालना होगा। वेरीडेट और डिटेल करके चेक करेंगे तो वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या है सेवन नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, जैसे आप सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका चेक करने के लिए आ जाएगा, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है चेक कर लेना, आपके फॉर्म में कोई गलती है तो आप क्या यहाँ पर बैक कर लेंगे, अन्यथा आपको आई एग्री करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। एंड आपको ओके कर देना है, तो आपको ओके करेंगे तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन को लिखा आएगा लेफ्ट थंब, तो आपको देखिए लेफ्ट थंब अपलोड करना होगा, तो सबसे पहले आपको अपना लेफ्ट थंब जो है अपलोड करना है, तो आपको लेफ्ट थंब अपलोड करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन, तो आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप कहाँ से लेंगे वो मैं आपको बता दूँ। आपको सबसे पहले क्या है गूगल पर जाना होगा, एंड गूगल पर सर्च मारेंगे आप हैंड डिक्लेरेशन IBPS, तो अब ये IBPS कराता है तो इसको IBPS आपको सर्च मारना है हैंड डिक्लेरेशन, तो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको बता दूंगा वही आप देख के वहाँ से लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपको डिक्लेरेशन फॉर्म, तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म जो है कैसे लिखना है, यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, देखिए थोड़ा रुकना पड़ेगा यहाँ पे क्या थोड़ा स्लो चल रहा है तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे किस तरीके से आप अपना लिख सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको यहाँ पे डिटेल जो है अच्छे से फिल करनी होगी, कोई भी आपको गलती नहीं करना, अगर गलती करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको आई उसके बाद नाम दिया हेयर डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक आपको ये लिखना होगा, लिखने के बाद आपको ये अपलोड करना होगा, तो यहाँ पे आपको यही अपलोड करना है, तो आपको हैंड डिक्लेरेशन आपको अपलोड कर देना है। आपका हैंड डिक्लेरेशन PDF में मांगा है तो PDF में ही अपलोड करना है, JPG में मांगा है तो JPG में, तो आपको यहाँ पे JPG में मांगा है। वही कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आपका रिज्यूम है, रिज्यूम आपको बना देना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको हायर क्वालिफिकेशन जैसे आपका PG है या क्या है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। कैप्चा कोड डालने के बाद सेवन नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, एक बार प्रीव्यू करके चेक भी कर सकते हैं आपने कुछ गलत तो अपलोड नहीं कर दिया। एंड आपको सारी डिटेल फिल करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल पेमेंट के लिए खुल के आ जाएगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। तो ऐसा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।